नमस्कार दोस्तों, द राइट डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट किसले कुमार। आज हम बातें करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में गहमा गहमी है, बॉयकॉट चाइना कैंपेन। तो इस बॉयकॉट चाइना कैंपेन को आज हम डेटा के हिसाब से एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि बॉयकॉट चाइना में क्या है एक्चुअली जिसको हम बॉयकॉट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दिनों इसके ऊपर मेहनत की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पूरे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाली और उसको एनालाइज किया कि क्या क्या है वाकई जिसको हम आज बॉयकॉट कर सकते हैं और वो चाइना की इकोनॉमी में कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसी चीज़ों पर आज हम बातें करेंगे। तो मैंने अपने शो को चार भागों में बांटा है। पहला, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा हिंदुस्तान का, चाइना का, वो किस कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, उनका ट्रेड कितना बड़ा है। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड है वो कितना बड़ा है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चाइना के साथ जो हिंदुस्तान का ट्रेड है वो चाइनीज इकोनॉमी में कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है और अगर हम चाइनीज चीज़ों को बॉयकॉट करते हैं तो वो कितना चाइनीज इकोनॉमी पे असर डाल सकता है। इसको भी हम डेटा के माध्यम से आज एनालाइज करेंगे। तीसरा, हम अपने शो में ट्रेड पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और चौथा, जो एप्लीकेशन बैन अभी हिंदुस्तान की सरकार ने किया है चाइना के 59 एप्लीकेशंस को, उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये एक बहुत ही खास शो है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस शो को पूरा अंत तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा, वो हिंदुस्तान के टोटल ट्रेड वॉल्यूम का ग्राफ है। हिंदुस्तान का इम्पोर्ट जो है आप देखिए वो एक्सपोर्ट से बड़ा है। 514.07 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट है हिंदुस्तान का और एक्सपोर्ट आप देखें तो वो 330.07 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है। तो आप देखें कि यहाँ पे टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो हिंदुस्तान की है 844.15 बिलियन डॉलर्स की है। तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर का भी टोटल ट्रेड वॉल्यूम इंडिया का नहीं है, 844.15 बिलियन डॉलर्स का है। और आप देख सकते हैं दोनों के बीच में तकरीबन 215-216 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में। आइए अब हम आपको दूसरे ग्राफ पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप हमारे ग्राफ पे अभी देख सकते हैं, इंपोर्ट जो है चाइना से वो 70.31 बिलियन डॉलर्स का है और एक्सपोर्ट जो हम चाइना को करते हैं वो 16.7 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये डेटा 2018-19 का है। मैंने 2018-19 का ही डेटा इसलिए उठाया है क्योंकि 2019-20 का जो डेटा था वो पूरे तरीके से अभी वो फाइनल डेटा नहीं था, इसलिए मैंने 18-19 का डेटा दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ही बड़ा है, 53.56 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है ये। तो ये ट्रेड डेफिसिट अपने आप में बहुत बड़ा है। अब आगे हम लोग बातें करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट क्या वाकई एक देश के लिए बुरा होता है, अगर बुरा होता है तो कब बुरा होता है ट्रेड डेफिसिट। तो चलिए अब हम दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। अब आपके पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान के कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम 52.4 बिलियन डॉलर्स के गुड्स बेचते हैं। और दूसरा एक्सपोर्ट पार्टनर हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तीसरा एक्सपोर्ट पार्टनर हमारा चाइना है। चाइना को जो हमारा एक्सपोर्ट जाता है 16.75 बिलियन डॉलर्स का, वो एक्सपोर्ट हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 5.01% है। और अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 15.8% है। आप देख सकते हैं कि चाइना के बाद हांगकांग, सिंगापुर, यूके, बांग्लादेश, जर्मनी, नीदरलैंड्स और नेपाल हिंदुस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप 10 इंपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन से हैं। तो जैसा कि आप ये ग्राफ हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला जो हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन इंपोर्ट पार्टनर है वो है चाइना, जो सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। उससे हम 70.319 बिलियन डॉलर्स का गुड्स खरीदते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे है। आपने जैसा कि पहले ग्राफ में देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था, लेकिन इंपोर्ट के मामले में वो दूसरे नंबर पे है। और इंपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स से वो कम है इन कंपैरिजन टू हमारा एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं लेकिन चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हिंदुस्तान की इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट में 6.9% कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन वहीं चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट में 13.6% कंस्टिट्यूट करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद जो हमारे इंपोर्ट पार्टनर्स हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया हैं। आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना
का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, यानी कि चाइना जिसको सबसे ज्यादा सामान बेचता है, सबसे ज्यादा सामान निर्यात करता है जिस देश में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसके टोटल एक्सपोर्ट का 16.8% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो टोटल वॉल्यूम है निर्यात की वो है 418.6 बिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेड अमाउंट है, 418 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट चाइना अकेले सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में करता है। हांगकांग दूसरे नंबर पे है, जो कि 11.2% कॉन्स्टिट्यूट करता है उसके टोटल एक्सपोर्ट में। तीसरे नंबर पे जापान है, जो कि 5.7% कॉन्स्टिट्यूट करता है और 143.2 बिलियन डॉलर्स उसका टोटल वॉल्यूम है। और आप जैसा कि इस ग्राफ में देख सकते हैं, हिंदुस्तान 7वें नंबर पे है एक्सपोर्ट पार्टनर चाइना का। मतलब कि चाइना जितना हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करता है वो चाइना के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 3% कंस्ट्यूट करता है इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के टोटल एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो आप देखिए 70.4 बिलियन डॉलर्स, और कहाँ अमेरिका के साथ 418 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका जो है, या साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, जापान, वियतनाम जैसे कंट्रीज जो हैं, वो कहीं ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चाइना के लिए ट्रेड के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चाइना ट्रेड सरप्लस में है, यानी कि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और उससे कम इम्पोर्ट करता है। तो उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही परेशान आजकल नज़र आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ही कभी कहा करता था कि ट्रेड डेफिसिट बुरा नहीं है। तो खैर, उस बारे में हम लोग अपने पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में बातें करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स कौन से हैं चाइना के 2019 में, कौन से रहे। तो पहले नंबर पे जो चाइना का, जहां से चाइना सबसे ज्यादा सामान खरीदता है, वो है साउथ कोरिया। चाइना जो साउथ कोरिया से जो इंपोर्ट करता है वो तकरीबन 203 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट करता है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया को जो चाइना एक्सपोर्ट करता था वो इससे कम है, यानी कि चाइना साउथ कोरिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में है और साउथ कोरिया ट्रेड सरप्लस में है। जापान के साथ जो इम्पोर्ट है चाइना का वो 180 बिलियन डॉलर्स का है, मतलब जापान से वो 180 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इम्पोर्ट करता है। और उसके बाद ताइवान है, यूनाइटेड स्टेट्स है और जर्मनी है। और आपको अगर याद होगा हमारे पहले ग्राफ में, तो चाइना इंडिया से सिर्फ 16.7 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इम्पोर्ट करता है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी फिगर्स दिखाए हैं, ये फिगर्स देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा, आपने एक माइंड मैप बना लिया होगा कि हिंदुस्तान का ट्रेड चाइना के साथ पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा होता है। अगर मैं आपको समरीली बता दूं तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट, उसमें इंडिया को जो वो सामान बेचता है वो सिर्फ और सिर्फ 3% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हम ये देखेंगे कि चाइना से हम खरीदते क्या हैं और कितना खरीदते हैं, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि चाइना को बॉयकॉट करना क्या हमारे कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करके रख सकता है, या चाइना को बॉयकॉट किया जा सकता है। इसको जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हम चाइना से क्या खरीदते हैं और क्या बॉयकॉट करने लायक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इसके लिए 2018 में हुए सारे इंपोर्ट्स को मैंने 30 भागों में बांटा है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे अभी एक पाई चार्ट देख सकते हैं। पहले नंबर पे टीवी या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स या और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो है, उसका वॉल्यूम तकरीबन 20.62 बिलियन डॉलर्स का, ये एक ह्यूज वॉल्यूम है। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स एंड मशीनरीज हैं। इसमें वही है, मशीनरीज कहने का मतलब कि इसमें कैपिटल गुड्स हैं, वो मशीन जिनका इस्तेमाल दूसरे गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है, वो मशीन हम चाइना से बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि चाइना इसमें कॉम्पिटिटिवनेस अपनी बहुत बढ़ा चुका है और बहुत सस्ते दामों पे अपनी मशीनें निकालता है। तो हम उनसे ये मशीन्स खरीदते हैं और अपने जो फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट है उनको कम करने के लिए हम चाइना से ये सस्ती मशीनें खरीदते हैं। तो इस पूरे पाई चार्ट में जितने भी गुड्स हैं वो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के इंपोर्ट होते हैं। अब 1 बिलियन डॉलर कितना है, मैं आपको अंदाजा के लिए बता दूं, 75 रुपए डॉलर का वैल्यू है। उसके हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 बिलियन डॉलर मतलब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास। उसके बाद जो गुड्स हैं उन्हें आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं या इस पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, जी हाँ, फर्टिलाइजर्स हम हिंदुस्तान में चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 2.05 बिलियन डॉलर्स का है, मतलब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास के फर्टिलाइजर्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। फिर से मैं ये बता दूं कि ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक अंदाजा लगा सके कि हम चाइना से क्या क्या खरीदते हैं, कितने मात्रा में। तो अब मैं दोस्तों जो आपको डेटा दिखाने वाला हूँ वो टॉप 10 to 20 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के हैं चाइना से। आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पे जो अभी पाई चार्ट देख सकते हैं, इसमें जो भी आइटम्स हैं वो 1 बिलियन डॉलर के नीचे के हैं। अब 1 मिलियन डॉलर मतलब 10 लाख डॉलर होता है और उसका वैल्यूएशन तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का है। तो
तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 987.58 मिलियन डॉलर्स के फर्नीचर, बेडिंग्स, लैंप्स और उसके पार्ट्स हमने इंपोर्ट किए चाइना से 2018-19 में। उसके बाद अदर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स एंड प्रोजेक्ट गुड्स एट्सेट्रा हैं, ये 895.83 मिलियन डॉलर्स के हैं। अब आइए दोस्तों टॉप 20 to 30 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में हम चलते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या है। तो ये लास्ट फैमिली है गुड्स का जो मैंने क्लासिफाई किया है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिरामिक प्रोडक्ट सबसे बड़ी फैमिली है इसमें, जो कि 340.75 मिलियन डॉलर्स के गुड्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस एट्सेट्रा 281.78 मिलियन डॉलर्स, सोप्स, कॉस्मेटिक वैक्सेस 256.77 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद रेलवेज, ट्रामवेज और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो बेसिकली सरकारें इंपोर्ट करती होंगी, वो 180.57 मिलियन डॉलर्स का है। अब ये तो हुई लिस्ट कि हम इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स और कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाइना से खरीदते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि चाइना से जो हम गुड्स खरीदते हैं इसमें एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स कितने हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको एक आम साधारण कंज्यूमर खरीद सकता है। तो इसमें मैंने इसके लिए एक कैलकुलेशन की, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पर जाके मैंने एक लिस्ट निकाली जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की थी 2018-19 में। उनको मैंने 5-6 दिन लगा के पूरा एनालाइज किया और देखा कि क्या क्या उसमें कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। तो मेरा जो फाइंडिंग था वो बहुत ही आश्चर्यजनक फाइंडिंग था। जैसा कि आप हमारे इस ग्राफ में देख सकते हैं, हमारे जो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको एक आम कस्टमर खरीदता है बाजार से, वो सिर्फ और सिर्फ 6.59 बिलियन डॉलर्स के हैं। और जो इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये 63.72 बिलियन डॉलर्स के हैं। यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखने वाली है कि 2 बिलियन डॉलर का जो फर्टिलाइजर था उसको मैंने इंटरमीडियरी में डाला है, क्योंकि ये आम लोगों के खरीदने की चीज़ नहीं है। जनरली फर्टिलाइजर्स किसान खरीदते हैं हमारे, और जो किसानों की जो चॉइस होती है ये चॉइस इकोनॉमी और सरकारें शेप करती हैं। किसान अपनी मर्जी से चीज़ों को नहीं खरीदता है, लार्जली हमारी चॉइसेस भी इकोनॉमी ही शेप करती है, लेकिन किसानों की चॉइस तो बिल्कुल पूरे तरीके से सरकार और इकोनॉमी ही शेप करती है। इसलिए मैंने उसको फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट्स को पूरा का पूरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में डाल दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई 6.5 बिलियन डॉलर्स ही तो बहुत ही कम है, कितना परसेंट हुआ ये? तो मैं आपको दिखा दूं कि ये 9.37% है टोटल चाइनीज इंपोर्ट्स का। यानी कि चाइना से हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें से हम जो बॉयकॉट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9.37% है। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है 63.72 बिलियन डॉलर्स वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा है वैसी चीज़ों का जो चीज़ें कंपनियां खरीदती हैं, इंटरमीडियरी गुड्स होते हैं, ये अपने फाइनल गुड्स को बनाने के लिए छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स खरीदती हैं या फिर जो मशीनें खरीदती हैं या फिर जो सरकारें जिस चीज़ को खरीदती हैं, जैसे रेलवेज हो गया या न्यूक्लियर बॉयलर्स के लिए जो आइटम्स हो गए, वो है इस बड़े वाले नीले वाले पोर्शन में जो कि 63.72 बिलियन डॉलर्स का है और जो 90.63% कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवरऑल इम्पोर्ट्स का। तो 90% गुड्स आपको बॉयकॉट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो उसके फायदे की चीज़ है। तो यहाँ सवाल करना है कि क्या कंपनियाँ, क्या सरकारें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकेंगी? इन सारे सवालों का जवाब हमको अपने शो में आगे मिलेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि ये एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाकई हैं क्या जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीवी अप्लायंसेस, जो कि 2.07 बिलियन डॉलर्स के हम खरीदते हैं। ये डायरेक्ट खरीदने वाले हैं जिससे मार्केट भरा हुआ है। दूसरे नंबर पे फर्नीचर्स, बेडिंग्स, लैंप्स एटसेट्रा है, जो कि 860 मिलियन डॉलर्स का है। तीसरे नंबर पे है क्लॉथ, फैब्रिक्स, यार्न, वुल, कारपेट्स एक्सेट्रा, जो कि 645.23 मिलियन डॉलर्स का है। चौथे नंबर पे है टॉयज, स्पोर्ट्स। पांचवे पे लेदर आर्टिकल्स हैं जो कि 373 मिलियन डॉलर्स के हैं। फिर प्लास्टिक और रबर के छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कि 372 मिलियन डॉलर्स के हैं। तो अब आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ टॉप 10 to 20 कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स जो हम चाइना से लेते हैं। उसमें फिर है सिरामिक प्रोडक्ट्स है जो कि हम 164.45 मिलियन डॉलर्स के खरीदते हैं। व्हीकल्स हैं रेलवेज के अलावा जो 125 मिलियन डॉलर्स के हम खरीदते हैं। सोप, कॉस्मेटिक वैक्सेस हैं 105.48 मिलियन डॉलर्स के। तो व्हीकल्स में बेसिकली वो थ्री व्हीलर व्हीकल्स जो आते हैं वो इसमें हैं शामिल। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट थी उन प्रोडक्ट्स की जो हम और आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, और मैंने इसके आपको एक रफ वैल्यूएशन भी बता दी है। अब आइए एक और क्लियर पिक्चर मैं आपको देने के लिए कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि हम जो भी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया उसमें से जो भी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उनमें से कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडियरी गुड्स की परसेंटेज कितनी है, ग्राफ पे वो कैसा लगता है। तो आप जैसा कि हमारे पहले ग्राफ पे देख सकते हैं
जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप देखिए इंटरमीडियरी गुड्स कितने हैं और कंज्यूमर गुड्स कितने हैं। आपको देख के अचंबा होगा कि इंटरमीडियरी गुड्स 18.55 बिलियन डॉलर्स के हैं, जो कंपनियां खरीदती हैं, जो बिजनेसमैन खरीदते हैं, और जो हम खरीदते हैं और आप डायरेक्ट बाजार में जाके खरीदते हैं वो सिर्फ 2.07 बिलियन डॉलर्स का है। ये नीला वाला जो है बार वो दिखा रहा है कंज्यूमर गुड्स, और हरा वाला बार जो है वो दिखा रहा है इंटरमीडियरी गुड्स को। क्लॉथ्स फैब्रिक्स में आप देख लीजिए, क्या पता जो आप शर्ट पहन के बैठे हों उसमें जो जो फैब्रिक लगी हो, जो धागे लगे हों, जो रंग लगे हों, वो चाइना से आए हों और आपको पता भी ना हो वो मेड इन इंडिया हो, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो 2.17 बिलियन डॉलर्स के जो है इंटरमीडियरी गुड्स हैं, और 645.23 मिलियन डॉलर्स के जिसमें जैकेट्स वगैरह आती हैं जो डायरेक्टली चाइना से बन के आती हैं वो हैं। लेदर आर्टिकल्स में आप देखिए 373.78 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि इसमें जो फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, और जो इंटरमीडियरी गुड्स हैं वो कम आते हैं, क्योंकि लेदर के मामले में, रॉ लेदर के मामले में हिंदुस्तान जो है वो नेट एक्सपोर्टर है, लेकिन जब वही रॉ लेदर उधर से वैल्यू एडिशन के बाद उधर से कुछ उस रॉ लेदर का कुछ सामान बना के जब उन देशों से आता है तो हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू एडिशन की जो क्षमता है, एडवांटेज है, वो कम है चाइना के कंपैरिजन में। अब आ जाइए कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडियरी गुड्स के दूसरे ग्राफ पे हम आते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक एंड रबर आइटम्स, इसमें भी इंटरमीडियरी गुड्स बहुत ज़्यादा हैं। आयरन स्टील एंड कॉपर, इसमें भी इंटरमीडियरी गुड्स बहुत ज़्यादा हैं, हरा वाला बार। अब आ जाइए मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ये सरकारें खरीदारी करती हैं चाइना से। अब आ जाइए कुछ इम्पोर्टेड गुड्स के माध्यम से, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ट्रेड पॉलिटिक्स वगैरह किस तरीके से देशों को इफेक्ट करती है और कैसे हिंदुस्तान और चाइना को इफेक्ट कर रही है। फर्टिलाइजर्स को देख लीजिए, 2019 में 6 मिलियन